व्रत और सेक्स, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारी महिलाएं व्रत रखती है, फास्ट रखती है। जैसा कोई त्यौहार है तो उस दिन व्रत है, फास्ट है, करवा चौथ है। फिर हमारे महाराष्ट्र में वट सावित्री होती है, वट वृक्ष जो रहता है ना, बनियान ट्री, तो उसका उसका व्रत रहता है एक। या फिर हरितालिका रहती है, उसका व्रत है। या फिर कोई लोग मंगलवार को फास्ट करते हैं, शुक्रवार को फास्ट करते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाना है या उपवास का खाना है। फिर उस समय सेक्स करना कि नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी सारे लोग बोलते नहीं, आप व्रत कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं, तो उस समय सेक्स नहीं करना है। एक्चुअली इसका कोई संबंध है क्या? वैसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, मगर लोग संबंध जोड़ते हैं। वो जोड़ते इसलिए कि उनको पहले से हमारे कल्चर में जो है कि व्रत रखते हैं मतलब कुछ भगवान का काम कर रहे हैं, धार्मिक रिलीजियस वर्क है, तो फिर उसमें सेक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्स गलत है, सेक्स गंदा है, सेक्स बुरा है। तो जो हमारे इसमें बिलीफ बैठा हुआ है कि सेक्स गलत है, गंदा है, बुरा है, इसकी वजह से फिर यदि आप अच्छा काम करें, कोई रिलीजियस वर्क करें, तो फिर नहीं रखना चाहिए सेक्स। और ऐसे इसमें फिर लोग सेक्स करते नहीं हैं। तो इसमें कोई वैसा देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है कि भाई सेक्स नहीं करना करके। मगर ठीक है, समझो आपकी बीबी व्रत रखती है, तो वो व्रत जो है वो हो सकता है कि काफ़ी सारे व्रत औरतों के हस्बैंड के लिए होते हैं, हस्बैंड की आयु अच्छी हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, अपना परिवार सुखी रहे, इसलिए औरतों के व्रत होते रहते हैं। तो वो करते हैं हस्बैंड के लिए या परिवार के लिए, फिर ठीक है, उनको मानना चाहिए। क्योंकि हरदम हम सेक्स में ये बोलते हैं कि भाई कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट यदि आपके पास में नहीं है और कंफर्ट नहीं है, सी सी कंसेंट और कंफर्ट, तो प्रॉब्लम होता है। तो उसकी मानसिकता नहीं है स्त्री की कि नहीं नहीं उस दिन सेक्स करना है, और आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो भी चलता नहीं है, उसमें मज़ा भी नहीं, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, उस दिन वो जब व्रत रखती है तो उसके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन करना, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि भाई ये कर रही है आप, तो ये कर दे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, मैं जो कुछ कर रही हूँ फैमिली के लिए कर रही हूँ और उसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। जब व्रत रखती है तो झगड़ा झंझट नहीं करना है, और डेफिनेटली जब व्रत रखती है तो वो नहीं बोल रही है सेक्स के लिए, तो नहीं करना है, ठीक है, नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि उसमें ज़बरदस्ती करेंगे, उसके मन के खिलाफ करेंगे, तो वो सेक्स में मज़ा भी नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो कोई भी व्रत है, फास्ट है, और वो आदमी को भी हो सकता है, मतलब पुरुष को भी होता है, लोग फास्ट रखते हैं तो उस दिन वो काम समझते कि फास्ट रखना मतलब भगवान का काम है, और फिर जिस दिन भगवान का काम करे उस दिन सेक्स करना नहीं है। तो वो भी ऐसी चीज है कि उसमें कोई संबंध वैसा नहीं है, मगर लोगों ने वो जोड़ा हुआ है कि सेक्स मतलब गलत है और इसलिए वो सेक्स करना नहीं है। यदि सेक्स करने की इच्छा है, दोनों की कंसेंट है, तो सेक्स का और रिलीजन का कोई वैसा संबंध है नहीं। लोग बोलते नहीं नहीं वो तो फिर ऐसा है कि वो नहीं बोल रही है तो फिर हस्तमैथुन कर लो, मास्टुबेशन कर लो, आपकी इच्छा हो रही है, आपको रहा नहीं जा रहा, मास्टुबेशन कर लो, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। मैंने मास्टुबेशन की वीडियो में बोला हुआ है कि यदि स्त्री या आपकी पत्नी अवेलेबल नहीं है सेक्स करने के लिए, वो ना बोल रही है, उसको बीमारी है या और कोई कारण है, तो फिर डेफिनेटली आप हाथ से कर सकते हैं, और शादी के बाद में भी आपके मास्टुबेशन किया तो वो कोई गलत नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ये करना है कि भाई कोई भी व्रत रखते हैं तो सेक्स कर सकते हैं, मगर कंफर्ट नहीं है, कंसेंट नहीं है, इच्छा नहीं है, तो बिल्कुल करना नहीं है। थैंक यू वेरी सेक्स मच। समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा,
आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।